जमाना हो हो बदलिया जमाना बदलिया जमाना हाँ हाँ बदलिया जमाना बदलिया जमाना हो हो बदलिया जमाना बदलिया जमाना हाँ हाँ बदलिया जमाना अगरा दे जंतर ने गिनती दे मंतर ने अगरा दे जंतर ने गिनती दे मंतर ने खोलिया खजाना हाँ हाँ खोलिया खजाना बदलिया जमाना हाँ हाँ बदलिया जमाना रेंदे फुटपाथा ते जांदे नहीं जाता ते असी सारे कट्ठे हाँ गमाते बराता ते असी सारे कट्ठे हाँ गमाते बराता ते रेंदे फुटपाथा ते जांदे नहीं जाता ते असी सारे कट्ठे हाँ गमाते बराता ते असी सारे कट्ठे हाँ गमाते बराता ते गलती साडे कोल होई है सानू इन्ने छोटे लोकां दे मुंह नहीं लगना चाहिदा सी ऐ गल हुण तुसी कह रहे हो मिसेज त्रिपाठी आपस च मन मुटा करन दा कोई फायदा है नहीं नवे नौकर लभदे किथे ने जे लभ भी जांदे है तनखाहां दुगनियां मंगदे ने छुट्टियां ते इन्नियां करदे ने पुलिस वाले भी तो कुछ नहीं करना चाहते मुफ्त ही पंगा ले लिया ते फिर हुण तुसी सोचो की करना चाहिए मैनू लगदा है सानू उन्हां नाल किसे ना किसे तरह गल करनी चाहिए है किसे गार्ड जां माली दे थ्रू फिर उन्हां दा दिमाग होर आसमान ते चढ़ जाएगा मैं पता कीता सरला देवी भी चुप बैठन वाली नहीं है ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਹੈ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਕਮੀਨੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮਿਸਿਸ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੋ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਨਾ ਐ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਫਿਰ ਕਦੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ बेबे इनते ऐसा पहले लेके जाना पड़ेगा तू फिकर ना कर मैं सब सांभ लांगी जा तारो ते संत नु साथ ले जल्दी देखे तू तेरा ख्याल रखना हाँ, हाँ, हाँ। प्रार्थना कर पुत्र रब दा नाम ले सब ठीक हो जाऊगा चल अच्छा हाँ बोल हरिओम हरिओम नहीं नहीं रोई धानी चली छेती कर और पानी ले चलो अंदर जा पानी 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 ले जाओ जरा मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं कोई नहीं तुझे तो कुछ हो ही नहीं रहा छेती आनी छेती आ छेती कर संतो छेती करो नहीं जल्दी चलो चलो आओ अंदर चलो नी लक्ष्मी होई है बधाई हो मैं कहनी चंगा ही हो गया पहले मुंडा सी फिर कुड़ी रब दी जोड़ी मिला बिल्कुल अमला मल्ले से सच्ची आई है भाई कंगू मुबारक हो भाई मुबारक क्या बधाइयां मैं बधाइयां भाई कौन भी बधाइयां शादी भी बधाइयां पिंड दे पहले जवाक दी बधाइयां ओ मैं क्या पार्टी होनी चाहिए थी बिल्कुल मौज मस्ती होनी चाहिए है मेरू दी चोली विच नवी नवी गुड़िया मेरू दी चोली विच नवी नवी गुड़िया दादी सुनावे देखना बिल्कुल मां ते गई है नहीं बेबे नहीं मैनु तो एदा बिल्कुल नहीं लगती देखो ना दी अखां बिल्कुल अपने गंगू ते गई है ओ जी किसे ते भी जान पर सोनी बने हाँ। देखना रंग भी बहुत गोरा निशो निकलेगा हाँ। ते नए नकस भी बड़े तिखे ही बनेंगे नमस्ते माँ जी नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते सारे परिवार नु लाख लाख बधाई हाँ, होवे तेनु भी बहुत बहुत होवे गंगू पुत लिया मुंह मीठा कराया तेरा आगे नमस्ते सरला बहन जी हेलो मुंह मीठा करो बहुत बहुत बधाई होवे तन्नू भी और मेरू तू तो ठीक ठाक है ना जी दीदी तेरी कुड़ी बड़ी सोनी जापती है इनू खूब पढ़ाई एदा की ना रखेंगी
तुसी दसो एदा नाम रखी शिक्षा शिक्षा वाह किन्ना चंगा नाम दसे शिक्षा मेरी प्यारी ती शिक्षा इन्नी वारी कैंटी बजाई है कोई निकलिया ही नहीं रिजवान मेरा बेली मेरा मित्र पहुंच गया ना आने विच कोई मुश्किल ता नहीं आई तू मिल गए ते सारी मुश्किल कोई गल नहीं आजा सुभान अल्लाह किन्ना सोहना है इंज लगदा है जिवें मैं किसी राजे महाराजे दे घर आ गया वा ए इत्थे रहंदा और कौन कौन है इत्थे मेरे साहब जी ते बीबी जी रहंदे ने ते उन्हां दे दो बच्चे भी इक लक्की ते विंकी तेरे साहब जी दे दो बच्चे भी ने तू दसिया नहीं ए भी कोई दसन दी गल सी चल अपने कमरे विच चलिए अब्बा जान ने स्पेशल तेरे वास्ते सीके भेजे है ते बेसन दे लड्डू जेड़े तेरी मां ने भेजे ने बड़ा सोना कुर्ता भेजा चाचा जान ने तन्नू जचेगा भी बहुत ए तेरे साहब लोग इन्नी सवेरे सवेरे किथे चले जांदे ने 8 बजे तक पूरा घर खाली हो जांदा है साहब ते मेम साहब अपने दफ्तर नु तुर जांदे ने लक्की ते पिंकी स्कूल नू थोड़ी देर वास्ते मालती भी काम करने ले ही आ जांदी है हुण वेखता जा सारा दिन की हुंदा है एते बहुत चंगा है तेरे ते बड़े मजे ने रब करे ए मजे सारियां नू मिलन चल ला चलिए ਮਾਲਕੀ ਜੀ ਹੋ ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੂੰ ਰਿਜਵਾਨ ਏ ਛੋਟੂ ਤੇਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਹੋਰ ਛੋਟੂ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਚਾਚਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਮਸਤੇ ਚਾਚਾ ਨਮਸਤੇ ਪੁੱਤਰ ਚਾਚਾ ਸਲਾਮ ਸਲਾਮ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਛੋਟੂ ਅਈਓ ਤੇਰਾ ਬੇਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡੋਂ ਹੈ ਹਾਂ ਚਾਚਾ ਰਿਜਵਾਨ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਚਾਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਰਲਾ ਦੀਦੀ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਵੇਂ ਤੇ ਅੱਜ ਚੱਲੀਏ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਲਵੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਪਟਿਆ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਸਤ ਨੇ ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਤੇ ਬਦਲ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਭਈ ਬਦਲਣਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਰ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਰੰਗ ਤੇ ਵਿਖਾਏਗੀ ਨਾ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਦੀ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦਾ ਇਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਆਏ ਸਨ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜੇ ਘਰੇ ਹੀ ਪਏ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦਿੰਦਾ ਬਦਲਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅਖਰਾਂ ਦੇ ਜੰਨ ਕਰਨੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਨ ਕਰਨੇ ਅਖਰਾਂ ਦੇ ਜੰਨ ਕਰਨੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਨ ਕਰਨੇ ਬੋਲੇ सुनो सुर्खी एक कोठी वाली औरत का षड्यंत्र
मजदूरों की बस्ती के सामने वाली कोठियों में मजदूरों की घरवाली और उनके बच्चे काम करने जाते थे। उनकी पढ़ाई पर रोक लगाने के लिए चोरी का इल्जाम लगाया और पुलिस से पकड़वाने की धमकी भी दी। ये एक ऐसी हरकत है जो बताती है कि पैसे वाले गरीब मजदूरों को कितना दबा के रखना चाहते हैं। सरकार एक तरफ तो हर शहर और हर गांव में मुफ्त प्राइमरी शिक्षा का प्रोग्राम बना रही है, जो नहीं पढ़ सके उनके लिए साक्षरता मुहिम चला रही है। श्रीमती त्रिपाठी के खिलाफ लिखी हुई FIR पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? उन समय आ रहा है सानू अनपढ़ रखन विच एना लोका दा किन्ना मतलब है। आहो, सानू तो अपने बारे च कुछ पता ही नहीं सी। आजाद देश दे नागरिक होण दा फक्र कदे असी महसूस नहीं किता। और संते ए भी नहीं पता कि सानू संविधान च के हक मिले ने। उन्हां नू जानना ते दूर कदी ले होए नहीं। ए गल्लां कोई नहीं दसदा। हुण पढ़ लिख रहे हो ना, तद पता लग रहा तुहानू। भाई गल ते है, असी बड़े मशहूर हो गए हां, साडी खबर अखबार च छप रही है। फिर ते मेरे घर वाले ते दियोर दी फोटोआं वी अच्छे आ जानियां है, उस बस्ती दे महाशराबी ने। क्या गल कही है भाई, जित्ता साडी होएगी अखबार ते आईयो कहंदा है। भाई साडा पक्ष सच्चाई दा है ते सच्चाई दी हमेशा जीती होंदी है। फिर ता ऐत की दिवाली बड़ी चंगी तरह मनावांगे। ए होई ना गल अम्मा। फिर ते खूब पटाके फोड़ांगे, नचना टपना भी होगा, ते कोठी वालियां अपने कन्ना च उंगलियां बांधेंगी। उन्हां दे कन्ना दे ना पड़दे ही पाड़। समझ नहीं आता, हजार बारी समझाया कि गुस्सा ना करया कर, ना उबलया कर, नहीं मेरी गल ते मन्नी ने ना, हैं हुण की इज्जत रह गई मेरी शहर दे विच। पर मैं ते एहो जिहा कुछ भी नहीं कीता, ए सारी पॉलिटिक्स दी गेम हैगी है। ए अखबार वाले तुहाडे नाल बदला लै रहे ने जां फिर फायदा चुक्कण वास्ते उन्हां अपनी गोटी बना रहे ने। बस बस चुप कर, मैं तेरी नस नस तो वाकिफ रखावां। ए जो कुछ भी होया ना, एदी वजह सिर्फ तेरी गर्म मिजाजी है। ए जिहड़ा तुहाडा किट्टी पार्टी दा कल्चर है ना, इहने तुहाडी सारी जनानियां दे दिमाग नूं खराब करके रख दित्ता। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਪੋਸਟ ਤੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਫਾਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਰੋਗ ਤੇ ਰੁਬੇ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਦੇ ਹੋ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫੇਅਰ। ਮਾਈਂਡ ਯੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਨਾਮ ਸ਼ਰਾਬ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਓਫ ਕੀ ਜਨਾਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਵਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਹਾਏ ਰੱਬਾ, ਇਹਨਾਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਲਕਾਂ ਜੀ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੂੰ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ, ਪਰ MLA ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਬਸਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੋਠੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰਜਾਨਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਭੁਲਚੁੱਕ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਜੀ ਚੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਕੀਪ ਕੁਆਇਟ, ਨੋ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਬਲਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ, ਓ ਬੜੀ ਟੇੜੀ ਜਨਾਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਹੀ ਫੋਨ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ IG ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਕਸ਼ਰਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਬਤਰਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਲਾ ਦੇਵੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਲਾਬਿੰਗ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ
तुसी सेटल कर लो, असी राजी हैं। मुफ्त दी टेंशन पई हुई है। पर वो कह रहा सी कि एफआईआर दस सरला देवी ने कराई सी, असी उन्होंने पूछ के दसांगे। ते मेरे ख्याल च तुसी भी यही चाहते होंगे कि जल्दी तो जल्दी राजीनामा हो जाए। ठीक है, जिन्नी जल्दी रफड़ मुक जाए चंगा ही है। मिसेस त्रिपाठी तुहाडा की कहना है? ठीक है, मैनू भी कोई एतराज नहीं। तुसी ठीक कह रहे हो त्रिपाठी जी, दिवाली दे मौके दे दोस्ती दा हाथ बधाउणा बड़ा ही चंगा रिस्पांस मिलेगा। देखो जी, जिस तरह भी होए हुण सब खत्म होना चाहिए था। प्लीज तुसी चिंता ना करो, मैं डायरेक्ट तो इन्वॉल्व नहीं होवांगी, पर तुहाडा काम हो जाएगा। हाँ हाँ, जिस तरह तुसी ठीक समझो। चंगा। लगदा है मिस्टर त्रिपाठी सीगे। आदमी बड़ा शरीफ है, पर ओदी जनानी वक्ते पाई रखदी है। ता मेरे लिए क्यों कोई मालकिन जी? तू सरला नू जाके मिल ते ओनू कॉन्फिडेंस विच लै, ते ओनू कह कि मजूरां दा बड़ा फायदा होएगा। लंबी लड़ाई चंगी नहीं होंदी, फिर कोठी वालियां अंदरों अंदर अपनी गलती मन रही ने। जिदा तुहाडा हुकम जी। प्रीतम, ऐसा सारे वालों नौ दफे पे। हाँ जी जरूर।
हेलो इंस्पेक्टर साहब, मिसेस बत्रा बोल रही है। तुहाडी सलाह तो बड़ी चंगी रही, उन्होंने साडे वालों भेजी मिठाई रख ली ते उन्होंने अपने वालों भी सानू मिठाई भेजी। नहीं, मैनू यही उम्मीद सी, लगदा हुण मामला सुलझेगा। मैनू यकीन है तुसीं प्रॉब्लम सुलझा लोगे, जे सारे पुलिस वाले तुहाडी तरह कोऑपरेटिव हो जाण तो समझो अद्धियां प्रॉब्लम खत्म। तुसीं खर्चे की फिक्र ना करो, असीं सब मिलजुल के अरेंज कर लवांगे। ओ ते मैं जानना। अच्छा जी, तुहाडी बहुत बहुत मेहरबानी। नहीं जी, मेहरबानी कादी, असी तो अपना फर्ज निभा रहे हैं। अच्छा जी, ओके बाय। हेलो, हाँ जी, सरला जी नाल गल करनी सी प्लीज। हाँ जी, मैं बोल रही हूँ। हाँ सरला जी, मैं तुहाडी एफआईआर दे मुताबिक तुहाडे नाल कोई गल करनी सी। जी दसो। नहीं, मेरा मतलब राजीनामे नाल है। मैं तो कहना भी किसी नाल अली गल बधाना ते खिचना कोई किसी ले भी फायदेमंद नहीं हैगा। इंस्पेक्टर साहब, ए दूजे पक्ष वाले की कहंदे ने, ए झगड़ा साडे वालों ते शुरू नहीं होया। नहीं, असी लई ते असी कोठी वालों नूं दबाण विच कामयाब ही होया ते ओ रिलाइज भी कर रहे ने हुण। ते फिर साडे वालों भी कोई अड़चन नहीं आएगी। मैं तुहानूं थोड़ी देर बाद फोन करके दसनी आ। ठीक है, मैं इंतजार करांगा जी। ओके जी, ओके जी, चंगा। हेलो इंस्पेक्टर साहब, नमस्ते, मैं सरला बोल रही हूँ। जी बोल रहे हैं मैडम। मैं समस्या का हल काढ लिया। मजदूरों की बस्ती विच जंगल पानी जाननी उन्होंने बड़ी मुश्किल होंदिया ने, अगर उन्होंने सुलभ शौचालय का निर्माण हो जाए तो। नहीं, मैं समझ गया सी, तुसी ये काम होया समझो, उन लोगों को की फर्क पैंदा है 10-15 हज़ार इधर ते उधर की, बल्कि गरीबों की बस्ती विच साफ सफाई भी हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी। अच्छा जी, नमस्ते। हुण बनी ना गल, इहनू कहिंदे ने पॉजिटिव पॉलिटिक्स। हुण बस्ती वाले बड़े खुश होणगे, मैं भी अज बहुत खुश हाँ। अज तुसी वेख्या कि कोठी वालियां दी मीटिंग होई ते मिसिस त्रिपाठी नूं नीवा वेखना पिया। सरला दीदी ने बस्ती विच राशन भी वंडवा दिता है, यह सुन के उन्हां दा मनोबल गिरिया। उधर मेरू ने एक कुड़ी नू जन्म दिता, सारी बस्ती विच जिवें खुशी दी लहर दौड़ गई। कोई कहिंदा सी कुड़ी माँ ते कोई कहिंदा सी प्यो ते। ते जद सरला दीदी ने कुड़ी दा नां शिक्षा सुझाया तां सारे बहुत खुश होए। छोटू दे बुलावे ते रिजवान शहर आ जांदा है। अपने नाल छोटू लई अब्बा दा बनाया कुर्ता पजामा ते उहदी माँ दे बनाए बेसन दे लड्डू भी लियांदा है। रिजवान शहर आ के हैरान भी है ते खुश भी है। मालती ते प्रीतम उसनू इस तरह मिलदे ने जिस तरह उसनू पहलों तो ही जानदे होण। साक्षरता मुहिम दी टीम विचार करके कुछ दिन होर इस बस्ती विच रहण दा फैसला करदी है। प्रीतम बस्ती वालियां नू अखबार तो वह खबर सुनांदा है जिदे विच कोठी वाली मिसिस त्रिपाठी दी पोल खुली हुंदी है। बस्ती दे सारे लोकां विच एक नवां विश्वास ते जोश भर जांदा है। उह सोचदे ने कि साडे आज़ाद होण दा की फायदा होया, असी तो यह भी नहीं जानते कि साढ़े संविधान ने सानू किन्ने वड्डे अधिकार दिते हुए ने। उधर क्योंकि गल कोठी वाली जनानिया के हथ तो बाहर जा चुकी सी, इस करके बंदियां नू हथ पाना पिया। मिस्टर त्रिपाठी ने अपनी घरवाली नू चुप रहने की सलाह दी ते इस समस्या के हल दे लई
काफी लोगों नूं संपर्क भी किया। उधर बस्ती विच दिवाली दी धूमधाम विच जदों कोठी वालियां कोलों मिठाई आती है तो उधर वापस जाती है तो जिवें शिकवे शिकायत खत्म होने की शुरुआत हो जाती है, वो जाके खत्म होती है बस्ती विच सुलभ शौचालय के निर्माण के फैसले ते। अगे की होंदा है बस्ती विच सुलभ शौचालय बनता है ज नहीं, ये असी वेखांगे अगली कड़ी विच। अज असी मिलते हैं बिहार के जब्बार सिद्दीकी नूं। मैं सन 79 में दिल्ली आए थे, घर भी कुछ मैं उर्दू पढ़ा लिखा था, हिंदी हमने पढ़े लिखे नहीं थे। तब यहाँ 2 साल पहले यहाँ प्रकाश वीर से मैंने 2 साल पहले पढ़ाई किए 3 किताबें, तो उससे मेरे को जो भी स्पोर्ट में मैं माल फिनिशिंग करता हूँ या माल बनाता हूँ या उस पर लेवल लगाता हूँ मैं सब पढ़ लेता हूँ। मालक मुझे बता के जाता है जितना माल इस जगह भेजना है, इतना माल इस काउंटिंग करना है, मैं सारा काउंटिंग अपना कर लेता हूँ। जंतर में गिनती दिवंतर में बोले आप बना